आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। बात करते हैं बढ़ते साइबर क्राइम की। जी हां, इन दिनों रेवाड़ी पुलिस के लिए बढ़ता साइबर क्राइम कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बना हुआ है। हालांकि आज पुलिस को इसमें एक बड़ी कामयाबी मिली है और जो साइबर क्राइम थाने के एसएचओ हैं उन्होंने आज एक प्रेस वार्ता की है और प्रेस वार्ता करके और एक खुलासा किया है कि बदमाश है वो साइबर क्राइम को अंजाम देते थे और लोगों को ठगी का अपना शिकार बनाते थे, किस तरीके से वो ठगते थे। इसको लेकर के दो आरोपी गिरफ्तार उन्होंने किए हैं, शुभम और राम कुमार। उसको लेकर के सीधा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, हम आपको सीधा लेके चलते हैं उन्हीं के पास। लेकिन जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं, बता रहे हैं, उसे साफ तौर पे लगता है कि जब से ये लॉकडाउन लगा है उस दौरान, लॉकडाउन के दौरान जो लोगों की नौकरी गई है वो कहीं ना कहीं क्राइम की ओर गए हैं। तो इस पूरे मामले में भी ऐसा ही कुछ खुलासा हुआ है। आपको बता दें 3,82,000 की ठगी का ये मामला है। 5 तारीख को ये FIR दर्ज हुई थी, FIR नंबर 5। आपको बताएं साइबर क्राइम का थाना अभी कुछ दिन पहले ही रेवाड़ी में बना है और वहाँ एक के बाद एक यानी कि मामले दर्ज हो रहे हैं थाने के अंदर, जो पुलिस लाइन के अंदर साइबर क्राइम का थाना जो बना है और उसमें करीब 9 FIR दर्ज अब तक बताया जा रहा है कि हो चुकी है। और उसी को लेकर के जो है ऋषिकांत जो वहाँ थाना प्रभारी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ कर रहे हैं। उन्होंने आज इस बात का खुलासा किया है कि किस तरीके से साइबर क्राइम जो है बढ़ रहा है लगातार, किस तरीके से लोगों को ठगी का शिकार अपना बनाया जा रहा है, जो शातिर है वो किस तरीके से साइबर क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। तो साफ तौर पे वो बता रहे हैं, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि गिरफ्त के अंदर जो ये आप आरोपी देख रहे हैं, बाकायदा मीडिया के सामने इनको पेश किया जा रहा है। पुलिस बाकायदा इनको लेकर के आई है ताकि मीडिया कर्मियों के सामने इनको पेश किया जाए और एक पूरा खुलासा किया जाए कि किस तरीके से ये लोग क्राइम को अंजाम देते थे, किस तरीके से लोगों को ठगते थे, क्या उनका अंदाज होता था, किस तरीके से वो लोगों को अपना शिकार बनाते थे। कि शुभम जो है काम करता था कंपनी के अंदर, मेडिकल कंपनी के अंदर, और उसको कहीं ना कहीं उसके पास डेटा था कि किस तरीके से लोगों को अपना शिकार बनाया जाए और उसी को उसने शातिराना अंदाज अपना चुना। तो आपको सीधा लेके चलते हैं किस तरीके से ऋषिकांत जी बता रहे हैं, पूरा विस्तार से आपको सुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी। आप सुनिए कैसे वो बता रहे हैं कि साइबर क्राइम किस तरीके से अंजाम दिया जाता है। हमारे पास एक FIR नंबर 5 दर्ज है जिसके अंदर 3,82,000 रुपये की ठगी की गई थी। उसमें हमने दो आदमियों को गिरफ्तार किया है, एक राम कुमार नाम से है और एक दूसरा शुभम के नाम से है। हमने इनको लखनऊ से गिरफ्तार किया है और इनसे 3 लाख रुपए की कैश रिकवरी हमने इनसे की है। इन्होंने एक कंप्लेनेंट को फ़ोन करके उनके घुटनों के इलाज के बारे में, उन्होंने वहाँ से दवाई ली थी उनके इलाज के बारे में इन्होंने बहका करके इंश्योरेंस की लुभावनी स्कीमें बता करके 3,82,000 रुपये की ठगी की थी। इनको गिरफ्तार करके 3 लाख रुपये नकद रिकवर कर लिए गए हैं और जिन नंबरों से इन्होंने फ़ोन किया था उन नंबरों को तोड़ के फेंक दिया गया। लेकिन जिन नंबरों से, जिस सेट के अंदर इन्होंने डाल करके वो फ़ोन किया था वो सेट हमने इनसे रिकवर कर लिया है। वो सारे इन्होंने एक फर्जी आईडी बनवा करके, फर्जी आधार आईडी तैयार करवाई थी राम कुमार के नाम से और उस पर वो नंबर इशू करवाए गए थे और उसी फर्जी के आधार पर, उस फर्जी आईडी के आधार पर इन्होंने अकाउंट ओपन करवाया था और उस अकाउंट के अंदर वो पैसा जाता था। पैसा जैसे जैसे डलता गया साथ ही साथ ये पैसा उसमें से निकालते गए। अरेस्टिंग के बारे में इनके जो कंसर्न SHO लगते हैं उनको हमने लिखा गया है पर अभी उनकी रिपोर्ट हमारे को नहीं मिली है। हमारी 20 वारदात के अलावा इन्होंने 10 वारदात और कर रखी हैं जिसका इन्होंने खुलासा किया है। उसके रिगार्डिंग हमने इनसे एक रजिस्टर कॉपी भी बरामद की है जिसमें इन्होंने ठगी के बारे में लिखा हुआ है। इन्होंने ये ठगियाँ मतलब महाराष्ट्र में, राजस्थान में, दिल्ली में, कुछ एक ही हमारे हरियाणा की भी है, गुड़गांव की भी है इसके अंदर, और मतलब इन्होंने काफ़ी जगह ठगियां कर रखी हैं। मोटी मोटी 10 ठगियों के इन्होंने हमारे बारे में और खुलासा किया है और हमने उसके बारे में इनसे रजिस्टर भी बरामद किया जिसके अंदर ये सारी ठगियां लिखी गई हैं। तो ये दो ही है या और भी इसका पूरा गैंग है कोई?
नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन में दो ही आदमी आए हैं और ये शुभम इसके अंदर मास्टरमाइंड आदमी है। राम कुमार को इस्तेमाल किया जा रहा था, राम कुमार के नाम से फर्जी आईडी तैयार की गई, राम कुमार के नाम से फर्जी अकाउंट ओपन करवाया गया था, सिम कार्ड भी राम कुमार के नाम से इशू करवाए गए थे। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, हो सकता है कि शायद इसके अंदर और भी आदमी कोई आए सामने, जो भी आएगा वो गिरफ्तार होगा। राम कुमार BSc एग्रीकल्चर है, सॉरी शुभम, और राम कुमार 5वीं पास है, शुभम BSc एग्रीकल्चर है। ये लोगों को शुभम एक मेडिकल कंपनी में काम करता था पहले दिल्ली में, लॉकडाउन के दौरान इसने वो कंपनी क्विट कर दिया था। जिस टाइम पे क्विट किया था उस टाइम पे ये कुछ कस्टमर्स का डाटा लेकर के आया था और डाटा इनके पास होने के कारण ये फर्जी सिम कार्ड से उनको फ़ोन करते थे और उनको बताते थे कि भाई आपने जो ट्रीटमेंट लिया था अगर उससे आपको इलाज में कोई बेनिफिट नहीं मिला तो हम आपके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेके आए हैं जिसमें आपका फ्री में इलाज किया जाएगा और आपको इंश्योरेंस के भी डबल पैसे दिए जाएंगे। ऐसा करके GST VST का नाम लेकर के और टैक्स का नाम लेकर के उनसे ये लोगों से पैसे अपने अकाउंट में डलवाते थे और फिर उसके बाद मोबाइल को स्विच ऑफ कर देते। तो ये डेटा भी कंपनी से चोरी किया हुआ था, तमाम जिन लोगों को फ़ोन करते थे ये फील्ड ऑफिसर का काम करते थे, तो शुभम के पास फील्ड ऑफिसर का काम था शुभम का, तो डाटा ऑलरेडी शुभम के पास होता था सबका। क्या मालूम चला कितना अमाउंट इन्होंने इस तरह धोखाधड़ी से ट्रांसफर किया होगा अभी तक? अभी तक जितना भी रिकॉर्ड जो इनसे मिला है 3 लाख की तो हमने इसी में रिकवरी की है, तो करीबन करीबन 20 से 25 लाख रुपए के आसपास का इनका ठगी का सिस्टम बना हुआ है। वो रहने वाले सिर्फ इनके पास उनके नाम और फ़ोन नंबर हैं, उनके राज्य के नाम महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, काफ़ी सारे राज्य हैं जहाँ से इन्होंने ठगी की हुई है। अलग अलग सब में सेम ही तरीके से ठगी की गई? हाँ, सब में तरीका वारदात सिर्फ सब में एक ही रहा है। नहीं, इनको सिर्फ राज्य पता है क्योंकि ये सारा काम ऑनलाइन किया जाता था, फ़ोन के द्वारा किया जाता था, इनको अगले का कंप्लीट ये नहीं पता होता था कि वो रहने वाला कहाँ का है। और जिनसे ठगी की गई है कुछ लोग महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, लखनऊ से हैं, देहरादून से हैं। जी सर, जो इतनी इन्होंने यूपी से हैं, जयपुर से हैं जी। ऐशो आराम के लिए करते थे या कमाने के लिए? बेरोजगारी थी या किस वजह से इनका नौकरी छोड़ के क्यों आए इसलिए? नहीं, जो इनकी पूछताछ में ये आया कि पहले काम करता था शुभम, लेकिन अब लॉकडाउन के बाद से कोई काम नहीं था तो ये सोचा कि चलो ठगी करना शुरू कर दें। यानी कि लॉकडाउन ने कईयों को क्रिमिनल बना दिया? नहीं, मैं ये बात नहीं कह सकता, वो करने वाले की सोच के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस चीज़ को कैसे सोचता है। हमारे पुलिस स्टेशन में 9 FIR दर्ज हुई है। इन जो ठगी इन्होंने की है, हमने कंसर्न राज्यों को मैसेज करवा दिया कि हमने इनको गिरफ्तार कर लिया है। नहीं, ये हमारा रफ पेपर है, इसमें कुछ और। तब तक इस तरह के कितने मामले दर्ज आपके थाने में? हमारे थाने में 9 मामले दर्ज हैं। नहीं, वो टोटल 9 मामले दर्ज हैं। ये मामला ऐसा भी सामने आया है जिसमें इनकी गिरफ्तारी हुई है और हमारे पास इनका इस FIR के अलावा और मामला नहीं। तो ये पहला मामला ट्रेस आउट किया? हाँ, ये हमारे थाने का पहला मामला ट्रेस आउट था। ये 420-406 में मुकदमा दर्ज था, हमने इसके अंदर 201-467-468-473 सेक्शंस और इसके अंदर ऐड की गई। तो बाकी जो अदर मामले वो किस तरह के हैं? वो भी 406-420 में रजिस्टर किए। वो भी साइबर क्राइम की है जी, ऑनलाइन उन्होंने ठगी की है जी। DSP साहब 2 दिन पहले बता रहे थे कि कुछ लोगों के पैसे हमें वापस दिलाएं, 4 मामले बता रहे थे। हाँ, वैसे तो ऐसी कई एप्लीकेशन हैं जिनमें कि पैसा गया था, हमने गेटवेज में बीच में पैसा रुकवा करके उनको वापस रिटर्न पैसा करवाया गया। एक नंबर FIR थी हमारे पास जिसमें 40,044 रुपये गए थे, उसमें भी हमने बीच में पैसा रुकवा करके अकाउंट के खाते में वैसा वापस पैसा डलवा दिया गया है। 21 नंबर एप्लीकेशन थी मंजीत सिंह की, उसमें करीबन 1,60,000 रुपये गया था, वो पैसा भी बीच में रुकवा करके कंप्लेनेंट के खाते में वापस डलवा दिया गया है। क्या सर, किस समय के दौरान ये शिकायत अगर आपको मिल जाती है तो इस तरह से पैसे को रोक कर हम खाता जो पैसा वापस करा सकते हैं?
देखो इसमें कोई ऐसा टाइम पीरियड तो नहीं है कि अगर इतने टाइम में वो रिपोर्ट करता है तो उसका पैसा रुक जाएगा। कई बार बीच में गेटवे में इंटरमीडियरीज के पास पैसा रुक जाता है, एक दिन के लिए भी रुक जाए, दो दिन के लिए भी रुक जाए, वो तो कई बार सर्वर डाउन होता है तो उससे ज़्यादा टाइम के लिए भी पैसा रुक जाता है। लेकिन अगर एक या दो दिन के अंदर जिसके साथ ठगी हुई है अगर वो हमारे को सूचना देता है, हमारे को रिपोर्ट करता है, तो हम अपना प्रोसेस कर सकते हैं पैसा रुकवाने के लिए। और कई एप्लीकेशंस में पैसा और FIRs में हमने रिटर्न भी करवाया। इस केस में देखा कि लोग लालच के कारण ये ठगी का शिकार हो गए, तो क्या मैसेज देंगे लोगों से, क्योंकि बार बार लोग में आके इस तरह से ठगी का शिकार हो रहे हैं। हाँ देखो, बैंक भी कहता है और सोशल मीडिया पे भी इतना सारा आया हुआ है, हमने पहले भी आप लोगों के जरिए से लोगों को जागरूक किया था कि भाई किसी को OTP या QR कोड आता है तो प्लीज़ उसको किसी के साथ शेयर ना करें। बैंक कभी नहीं कहता कि आप अपना OTP हमें फ़ोन पे बताइए या QR कोड हम सेंड कर रहे हैं इसको स्कैन कीजिए। और जो आजकल सोशल मीडिया पर जो नंबर दर्शाए जा रहे हैं वो नंबर फेक्स हैं, लोग बाग उन नंबरों को यूज़ करके उन नंबरों को टोल नंबर समझ करके उस पर कॉल करते हैं, तो वो नंबर इन लोगों ने फर्जी डाले हुए हैं, उनसे इनका डाटा लेते हैं, डाटा ले करके फिर इनके अकाउंट से पैसा निकाला जाता है। तो मेरा मैसेज है पब्लिक के लिए कि भाई जो सोशल मीडिया पे इन्होंने अपने फेक नंबर डाले गए हैं उनका यूज़ ना करें। कोई कॉल आती है तो उन पर OTP या QR कोड को स्कैन करके अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ना दी जाए।